नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे संतोष भारतीय के साथ, जो कि जाने माने पत्रकार हैं, पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, पर इस वक्त पत्रकारिता लेखन में ही ज्यादा जोर दे रहे हैं। संतोष जी, आपसे सवाल तो पहला ये है कि हमने देखा कि आपका नाम भी इस माया जाल, जो भी पेगासस नामक टूल किट कहे, जो भी कहे, उसमें आपका नाम भी शामिल है। तो बता सकते हैं किस लिए आप इस माया जाल में फंसे और आपको क्या लगता है किस वजह से आपके ऊपर निगरानी रखने की सरकार ने, लगता तो सरकार ही है, किया? तो प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसके बारे में बातचीत करने के लिए बुलाया। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस सारे कांड के पहले लोगों में हूं जिन्हें निशाना बनाया गया। तो मैं पहले आपको घटना बता देता हूं। 2019 के नवंबर में, मुझे नवंबर के शायद पहले हफ्ते में फोन आया कनाडा से, और उन्होंने कहा कि हम एक लेबोरेटरी से बोल रहे हैं और हम जर्नलिस्ट हैं, आपका फोन हैक हो रहा है और लंबे समय से हैक हो रहा है, वो सर्वेलेंस पे है कुछ लोगों के, और आपकी सारी बातें लीक हो रही हैं, आपकी जासूसी हो रही है। मुझे लगा, मैं आदमी को नहीं जानता था, कोई अंग्रेज था, शायद कैनेडियन था या अमेरिकन था, आई डोंट नो, लेकिन उसने जब मुझे कहा तो मुझे चौंकाया और मैंने सोचा कि कहीं ये उसी ग्रुप का तो नहीं है जो मेरी जासूसी करा रहा है। ये जल्दी जल्दी में दिमाग में आया, इसलिए मुझे लगा कि इससे कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड करके क्या फायदा लेगा क्या नहीं लेगा, आई डोंट नो। मैंने प्रवीण जी उससे कोई बातचीत नहीं की। उनकी 3-4 बार फिर फोन आए, लेकिन मैंने फोन उठाया नहीं। 7 नवंबर 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी की मेरे ऊपर, और जिसने ये रिवील किया कि मेरी जासूसी हो रही है और पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर से हो रही है और व्हाट्सएप के जरिए हो रही है। इसका मतलब ये है, अब देख के लगता है कि जिन लोगों ने भी जासूसी कराई, उसके ऊपर तो हम बाद में आएंगे, उन लोगों ने पहले व्हाट्सएप को अपने क्लच में लिया या उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया और व्हाट्सएप के जरिए जासूसी कराई, और फिर इसका शोर मचा। तो अमेरिका में मुकदमा भी हुआ व्हाट्सएप के ऊपर, और व्हाट्सएप ने उस मुकदमे के जवाब में कहा कि हमने कुछ सरकारों को आगाह किया है कि आपके यहाँ लोगों के व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं, ये मुझे पता चला। पर अमेरिका से मुझे ये फोन आया कि मैं अमेरिका आऊं और इस मुकदमे में मैं गवाह बनूं या पार्टी बनूं। मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकता हूं। लेकिन जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस स्टोरी को किया, तो आप जानते हैं कि हम लोगों के दिमाग में अपना कीड़ा होता है। हमने भी तलाशना शुरू किया कि ये कहानी क्या है, और चूंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में ये कहानी हुई और कुछ उन वेबसाइट ने इसको प्रिंट किया अपने यहाँ, जो इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट हैं और जो बड़ी जानी मानी है, हमें ये लगा कि हमको भी पता करना चाहिए। तो मैंने ये पता किया कि ये इसराइल की कंपनी है, इसराइल में बना हुआ ये पेगासस सॉफ्टवेयर है, इसका मालिक अमेरिका में रहता है और इसका ऑपरेशन इस समय कनाडा से हो रहा है। जब हमको ये पता चला तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इस जासूसी कांड का शुरू के लोगों में हिस्सेदार क्यों बना। एक तो मेरी हो रही थी उस समय जो खबर आई, दूसरी एक बीबीसी के स्ट्रिंगर थे जो अब बीबीसी से अलग होकर के 2019 में छत्तीसगढ़ में काम कर रहे थे, उनके बारे में पता चला कि मैं एक्टिव हूं और वो फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं जिनको इस लिस्ट में डाला गया, जिनको 2 साल से, मतलब 2016 से या 17 से मेरे ऊपर वाच रखी गई। अब मैं इस सोच में पड़ गया कि मेरे ऊपर ये वाच क्यों रखी जा रही है, लेकिन चूंकि एक बड़ा स्कैंडल था और मुझे लगा ये वर्ल्ड वाइड स्कैंडल है, इसलिए मैंने इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं की। हाँ, मुझे आश्चर्य जरूर हुआ प्रवीण जी कि अगर उस समय जो वेबसाइट्स ने, इंडियन वेबसाइट्स ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो स्टोरी की थी, उसके अगर ऊपर अगर इंडियन मीडिया की नजर गई होती और उन्होंने शोर मचाया होता, उसके बाद जिन लोगों को इसमें शामिल किया गया है, शायद वो बच सकते थे, या सरकार को या उस ग्रुप को जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के लोगों की जासूसी करवा रहा है पेगासस के जरिए से,
उसके पास बाकी लोग नहीं आते, क्योंकि शुरुआत हुई थी व्हाट्सएप से, और अब इसके बाद एक बेशर्मी के साथ बहुत सारे लोगों को इस नेट में लिया जा चुका है। कितने हैं कितने नहीं हम नहीं जानते, लेकिन 40 जर्नलिस्टों के नाम तो आए हैं, और ये वो जर्नलिस्ट हैं जो जो मुझे लगता है, फिर आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जो बीजेपी के लिए, सरकार के लिए काम कर रहे हैं इस समय, जो हम सब मीडिया के लोग जानते हैं, ये भी इसका कारण भी मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन इसने मुझे परेशान जरूर किया, पर मुझे ये बताया कि संतोष भारती, इसका मतलब है तुम्हारा जर्नलिज्म बहुत सही चल रहा है, अगर तुम्हारी जासूसी हो रही है इसका मतलब तुम क्रेडिबल हो, और शुरू से जो मैं पत्रकारिता करता रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको, जब आप पूछेंगे तो बताऊंगा कि क्यों मुझे लगा कि मैं सही हूँ और मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही जा रही हैं, नहीं तो किसी को डर होना नहीं चाहिए। सही बात है। तो पत्रकारिता अगर आप इस तरह से कर रहे हैं कि सरकार की निगाह आप पर है, तो आप सही पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि यू आर स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। जो ताकत है देश में उसको आप सही बातें कह रहे हैं, इसीलिए निगाह शायद सरकार की आप पर पड़ी, और इसीलिए शायद आप उनकी लिस्ट में हो। अभी कहना निश्चित रूप से सही नहीं होगा कि सरकार ही इन चीजों का शुरू किया है, हालांकि एनएसओ साफ बताता है कि हम सरकारी एजेंसीज के अलावा कोई प्राइवेट पार्टी से डील नहीं करती। और सरकार की तरफ से दो मिनिस्टर्स की जो बयान आए हैं, उस दोनों मिनिस्टर्स की, पहले आपका भूतपूर्व आईटी मिनिस्टर, इस वक्त जो वर्तमान आईटी मिनिस्टर, दोनों ने जो कहा है वो ये कहा है कि अनऑथराइज्ड हम इस तरह से कोई चीज कर नहीं करने देते हैं हिंदुस्तान में। प्रवीण जी, हाँ, दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं, दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि झूठ नहीं बोल रहे हैं। अश्वत्थामा हत इति गज कह रहे हैं कि अश्वत्थामा मरा पर वो हाथी था कह रहे हैं, क्योंकि ये नहीं कह रहे हमने इसको ऑथराइज किया है, ये कह रहे अनऑथराइज जासूसी हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। मैं इसके बारे में भी आपको उत्तर दूंगा, लेकिन मैंने आपको टोका सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मेरी जर्नलिज्म को लेकर के एक कमेंट किया कि मैं सही जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तो मैं सेल्फ मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। जैसे मेरी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं जो आई है, उसमें आज के बहुत सारे लोग सिर्फ सोनिया गांधी का नाम जानते हैं, वीपी सिंह, चंद्रशेखर का नाम नहीं जानते हैं। हमारे पत्रकारों में लोग एसपी सिंह, स्वयं प्रताप सिंह जो रविवार के संपादक थे और जिन्होंने पत्रकारिता को, हिंदी पत्रकारिता को नई धार दी, आनंद बाजार ग्रुप का वो मैगजीन था हिंदी का रविवार, और अंग्रेजी में संडे में निकलता था, तो उसमें उन्होंने धार दी, उनका नाम पत्रकार आजकल भूल गए हैं जो आज के पत्रकार हैं, हु एसपी सिंह, ये सवाल होता है। तो इसलिए मैं सिर्फ ये बताऊं प्रवीण जी आपको विनम्रता के साथ कि मैं जितने साल से, मैं करीब 79 से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, रविवार में से ही मैंने जर्नलिज्म शुरू किया, और अब तक मेरी किसी भी स्टोरी का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ, खंडन नहीं हुआ। नंबर एक, हमारे ऊपर जितने मुकदमे थे वो सारे मुकदमे हम लोगों ने जीते जो रविवार की स्टोरीज के ऊपर होते थे। चौथी दुनिया में हमने स्टोरी की, आज तक एक भी स्टोरी का खंडन नहीं है। प्रवीर जी, ये भी मैं विनम्रता से आपको बताऊं कि मेरे खाते में दो मुख्यमंत्री हैं, और मैं ये बार बार इसलिए कहता हूं कि आज के पत्रकारों को ये पता चले कि अगर आपकी स्टोरी में दम है तो आप चीफ मिनिस्टर का रिजिग्नेशन ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्रीपति मिश्रा और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हरदेव जोशी, ये दोनों मेरी स्टोरी के ऊपर, इनको रिजाइन करना पड़ा। मंत्रियों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, उनकी जिक्र नहीं करता, मैं सिर्फ दो मुख्यमंत्रियों का जिक्र करता हूँ। सरकार के साथ हमने कभी दोस्ती की नहीं, हम हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट जर्नलिस्ट रहे, प्रो पीपुल जर्नलिज्म रहे, प्रो पीपुल जर्नलिज्म हमने किया, हम ये कह सकते हैं इसलिए। और अभी थोड़े दिन पहले जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो प्रवीर जी मैंने चौथी दुनिया की हेडिंग थी कि मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, हमने
स्टोरी की थी, मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं, और नीचे हमने कारण दिए थे, मनमोहन सिंह उसका खंडन नहीं कर पाए। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए तब हमने एक स्टोरी की, बेहोश प्रधानमंत्री, कश्मीर वगैरह की स्टोरी तो छोड़ दीजिए जो हमने सवाल किए, हमने बेहोश प्रधानमंत्री हेडिंग से मेरा ख्याल है 2016 में स्टोरी की थी, और वो स्टोरी भी छपी और उसका भी खंडन प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से नहीं आया। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, अगर आप आंख में आंख डाल के बात करते हैं, अगर आपकी कमीज के ऊपर कोई दाग नहीं है, तो तभी आप ये स्टोरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सरकार से सुविधाएं लेते हैं, किसी की जासूसी करते हैं, जो आजकल हमारी माफ कीजिएगा पत्रकारिता में आम बात है कि एक बड़ा वर्ग सरकार का भोंपू हो गया है और वो जनता के खिलाफ उन सारे पत्रकारों की जासूसी कर रहा है या राय दे रहा है सरकार को कि इन लोगों को कैसे कट्टू साइज करें, लेकिन सरकार की भी एक सीमा है। अब सरकार उन चीजों के ऊपर क्यों अमल नहीं कर पाती, अगर आप इसका कारण पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, पर मैंने ये जर्नलिज्म किया शायद इसीलिए, इसी मेरे बैकग्राउंड के कारण, या क्योंकि मेरा राजनीति में कोई बहुत दखल नहीं रहा, मैं पार्लियामेंट में एक्सीडेंटली चला गया और मैं पीछे के दरवाजे से नहीं गया, मैं चुनाव लड़के गया 89 में लोकसभा का चुनाव, जो वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी के दिनों में और राजीव गांधी की जो आखिरी पार्लियामेंट थी उसका मैं मेंबर था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्लियामेंट थी, चुनाव लड़के में गया था। इसलिए मेरी इस जासूसी का एक रीजन मुझे ये नजर आता है कि चूंकि मैं क्रेडिबल स्टोरी करता हूँ, आंख में आंख डाल के बात करता हूँ, इसलिए उन्हें ये लगा ये कुछ और भी तो नहीं कहीं कर रहा है, ये और क्या करने वाला है, कहीं हमको तो कोई परेशानी नहीं पैदा करने वाला है, हो सकता है इसलिए उन्होंने मुझे उन पहले लोगों में रखा हो। और मेरे सारे, क्योंकि जो भी जो अब पता चल रहा है, पेगासस साहब का सारा डेटा ले जाता है, आपका कैमरा ऑन रहता है, आप घर में रहें या बाहर रहें, वो आपके लिए एक जिसको कहते हैं एक क्रेडिबल स्पाई का काम करता है, कहीं 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 चीजें भेजता है, और वो सारी जानकारियां विदेशों में जाती हैं या ISI के पास जाती हैं या चीन के पास जाती हैं, ये भी एक सवाल है, आप जब इसके बारे में बात करेंगे तो मैं बताऊंगा। पर मैं सिर्फ अपनी जर्नी बता रहा हूं, जिस जर्नी को लेकर के हो सकता है सरकार ने मेरी जासूसी शुरू में कराने का सोचा हो और अभी तक वो उसको करा रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ हम एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं, आप टेक्निकल आदमी हैं, हमको नहीं पता कि कोई फोन अछूता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि या तो अमेरिका आपकी बात सुन रहा है, या रूस सुन रहा है, या इसराइल सुन रहा है, या चीन सुन रहा है, कोई ना कोई सुन रहा है। इसलिए आप अगर देश विरोधी बात नहीं करते हैं, अगर आप आतंकवादी कार्रवाइयों में नहीं शामिल है, जिसके लिए ये बेचा जाता है पेगासस या इस तरीके के और भी चीजें हैं, तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप ईमानदार जर्नलिस्ट हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ, अब मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ जो आप शायद मुझे पूछें, पर मैं अभी कह देना चाहता हूँ कि इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो इस समय होम मिनिस्ट्री के लिए या BJP के लिए काम करते देखे जाते हैं, जिनके बारे में आम धारणा है, तो वो शायद इसलिए कर रहे हैं कि उस समय हो सकता है उन्होंने कभी कुछ कमजोरी में बात की हो और जिसको बुला करके सरकार ने उनको धमकाया हो या होम मिनिस्ट्री ने कि आपने ये की है, अगर आप हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो हम आपको आपके साथ ये कर देंगे, हो सकता है उस डर से लोग उनका साथ दे रहे हों। पर मेरा ये मानना है बाई एंड लार्ज बहुत सारे जर्नलिस्ट ईमानदार हैं और उन ईमानदार पत्रकारों की जासूसी करके सरकार को कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि सब बिल्कुल खुले और शफाक दिमाग के हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर मेरे समय ये शोर हो गया होता जो अभी हुआ है लिस्ट के आउट होने के बाद, तो शायद ये मसला बहुत आगे नहीं बढ़ता। उस समय लोगों ने सोचा कि एक संतोष भारती है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। पर लोग ये सिद्धांत को भूल जाते हैं कि आप अगर पड़ोसी की आग नहीं बुझाएंगे तो आपका घर भी जलेगा, और अगर आप पहले अत्याचार के ऊपर या पहले एट्रोसिटीज का विरोध नहीं करेंगे तो आप उसके दायरे में बहुत जल्दी आने वाले हैं। प्रवीण, ये भी बात है कि आप 2019 में आपने खुद अगर और शोर मचाया होता, पहले अगर समझ पाते कि क्या चल रहा है, हम लोगों को भी बताते, तो शायद, क्योंकि मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी से ज्यादा वाकिफ हूं तो मैं आपको शायद ज्यादा बता पाता कि क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या हो रहा है। और उस वक्त पेगासस की सही बात तो है, पेगासस ज्यादा लाइट में आई 2020 में,
तो ये जो है उस वक्त 2019 में पेगासस इतनी लाइट में नहीं आई थी, पर यह बात सही है कि दो साल में पेगासस के बारे में हमारी जानकारी बहुत बढ़ी है और इस वक्त एक बिलियन डॉलर कंपनी ये बन चुकी है, उस वक्त काफ़ी छोटी थी। तो और ये भी सही है कि ये सरकारी जो अपने बता रहे हैं सरकार के लिए काम, अलग अलग सरकारों के लिए काम करते हैं, तो 45 सरकार देशों की इसमें लिस्ट है जिस पे ये काम करते हैं। और जो उनकी वहां की लिस्ट अगर देखें तो लग रहा है कि सरकार विरोधी लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है। उसको देखते हुए ये भी सही है कि हिंदुस्तान में भी लिस्ट अगर देखें तो आप जो कह रहे हैं वही है, पर इस पे ये भी है कि कुछ लोगों को अपने साथ लाने की इसमें हो सकता है इसकी इस्तेमाल हुआ हो, जैसे आप बता रहे हैं, और उसमें अपने दल के भी लोग शामिल है तो ये भी देख सकते हैं, विरोधी दल के लोग शामिल है पर उसके साथ साथ कुछ लोग बाद में पलटी भी खाए, तो ये बहुत सारे चीजें हैं। पर मैं आपको दूसरा सवाल इस वक्त करना चाहूँ, मेरे आखिरी सवाल है करना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है इसका असर राजनीतिक रूप में देश पे तो पड़ ही रहा है, पत्रकारिता का क्षेत्र में, क्योंकि आप और हम इस वक्त दोनों पत्रकार हैं, मैं तो बहुत बाद में, आप बहुत पहले, पर आप इस पत्रकारिता के क्षेत्र में से होने के नाते आप इस जो अभी हो रहा है इसका आपको क्या लगता है असर पड़ेगा जर्नलिस्ट और पत्रकारों पे? प्रवीण जी, इसका एक तो अगर रिजल्ट आप देखें, एनालिसिस करें, तो इसका मतलब ये है कि सरकार थोड़ी सी डरी हुई है या कमजोर हो गई है। जो कमजोर होता है वही ये सब करता है। मैं कुछ प्रधानमंत्रियों के नाम लेता हूँ, राजीव गांधी के समय ये नहीं हुआ, वीपी सिंह के समय नहीं हुआ जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, चंद्रशेखर जी के समय नहीं हुआ, गुजराल साहब के समय नहीं हुआ, देवेगौड़ा के समय नहीं हुआ, अटल जी के समय नहीं हुआ, ये जो पूर्ण बहुमत वाली सरकारें नहीं थी, मनमोहन सिंह के समय भी नहीं हुआ। ये चीज मोदी जी के समय क्यों हुई? शायद इसलिए कि ये सरकार अपने को कमजोर महसूस कर रही है या कहीं पर डरा हुआ महसूस कर रही है। उसका कारण सिर्फ ये है कि अभी आपने शुरू में कहा कि दोनों मंत्रियों ने, भूतपूर्व मंत्री ने और मौजूदा मंत्री ने कहा कि ये सरकार की अनुमति से नहीं है। सवाल ये कि अगर आपकी अनुमति से नहीं है, कोई अनजान आदमी आपकी जासूसी आपके देश के लोगों की कर रहा है, तो ये सवाल तो खड़ा होता है ना कि भारत सरकार कर क्या रही है। भारत सरकार की सिक्योरिटी एजेंसी, आईटी का इतना पूरे देश को आपने डिजिटाइज कर दिया, डिजिटल बना दिया, सारा काम बैंक वैंक सब डिजिटली हो रहा है, आपने वो तरीके तो अपनाए होंगे ना जो आपके यहाँ कोई सर्विलेंस करे या कोई आतंकवादी गतिविधियों की प्लानिंग करे या कुछ और प्लानिंग करे सरकार गिराने की, आपको पता चले। तो अगर आपको नहीं पता है और आप कह रहे हैं हमारी अनुमति से नहीं हुआ, तो आपसे बड़ी नाकारा और नालायक सरकार नहीं है कोई, क्योंकि आप अपने लोगों की जासूसी करने देते हैं और पूरे देश को आपने कनॉट प्लेस या माल रोड, शिमला की माल रोड बना दिया कि जो भी आए टहलता हुआ आया आपकी लोगों की जासूसी करे, अपना काम निकाले, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे, विस्फोट करे, कुछ भी करे और चला जाए, यहाँ से आप नहीं पकड़ पाए। इसी चक्कर में पठानकोट या जो भी जितनी चीजें हुई वो सब मेरा मानना है कि सरकार की कमजोरी की वजह से। सरकार जो इतना पैसा सुरक्षा एजेंसियों को देती है क्यों देती है, और हर एक के पास अपना अपना आईटी सेल है, तो कुछ तो इन्होंने सोचा होगा ना कि अगर आपके देश में रह करके कोई काम होता है आप उसे कैसे रोकेंगे, जो आप नहीं रोक रहे हैं और आप जवाब दे रहे हैं कि हमारी जानकारी में नहीं, कोई अनजान एजेंसी कर रही है, इसको कौन मानेगा? आप लोगों को बच्चा समझ रहे हैं? नहीं, लोग बच्चे नहीं। अब लोगों के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, वो सारी दुनिया की खबरें अपनी चॉइस से देख सकते हैं, आप चाहें या ना चाहें। सबको पता है कि आपकी काहली से हो रहा है, आपकी नालायकी से हो रहा है, इसलिए आपका फर्ज है कि आप ये पता लगाएं कि आखिर आपके देश में किया किसने अगर आपने नहीं किया। और फिर जितना पैसा एक आदमी के ऊपर 9 या 19 करोड़ जो भी फिगर आ रही है मुझे नहीं पता, आप बता पाएंगे, खर्च होता है इस सारी चीज में, वो पैसा दे कौन रहा है? सरकार दे रही है या सरकार के पक्ष में कुछ पूंजीपति दे रहे हैं जिनके इंटरेस्ट
इस सारी चीज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट सरकार के अलावा जो बिजनेसमैन का या पॉलिटिशियन की जो जासूसी हो रही है, ये लोग कोई कॉन्स्पिरेसी सरकार गिराने की नहीं कर सकते हैं। सरकार इतनी मजबूत पार्लियामेंट में है कि उसे कोई हटा ही नहीं सकता 2024 तक, जब तक एक एक आम विद्रोह न खड़ा हो जाए। तो जब नहीं ऐसे विद्रोह की स्थिति है, कोई आपको हटा नहीं सकता, तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आप देश में एक नई तरह की अर्थव्यवस्था या नए कुलक्स पैदा कर रहे हैं। कुलक्स शब्द शायद मैं गलत कर रहा हूँ, एक ऐसे नए नए बिजनेसमैन पैदा कर रहे हैं जिनके हाथ में सारी अर्थव्यवस्था रहे, बाकी लोग काम करें और उनको उतना ही मिले जितने में वो जी सकते हैं, और पैसा इनके पास जाए। क्या इस तरीके की कोई बात हो रही है? हमें नहीं पता, लेकिन डर लगता है कि कुछ ऐसा ही हो रहा है, तभी इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जासूसी हो रही है। और जहां तक पत्रकारों का सवाल है, हमारी बिरादरी तो जो सामने है, जैसे टेलीविजन के लोग, बड़े जर्नलिस्ट, तो वैसे ही सरेंडर कर चुके हैं। हमेशा गलत खबर, सही खबर को गलत ढंग से दिखाते हैं ताकि लोगों का विश्वास खत्म हो जाए। लोग भी अब ये समझ रहे हैं कि खबर कहाँ है, न्यूज कहाँ है और मोकरी कहाँ है। तो ये प्रवीर जी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग सोशल मीडिया साइट्स पे जो अफवाहबाज साइट्स हैं उनको देखते जरूर हैं, पर उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। वो भरोसा करते हैं जैसे न्यूज क्लिक है, इस तरीके की जो दूसरी वेबसाइट्स हैं, जो लोग इस समय हिम्मत के साथ अपनी बात कह रहे हैं, उनके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि हम भी इसी समाज में हैं, आप भी इसी समाज में हैं, आप भी विश्वास करने वालों से और अविश्वास करने वालों से मिलते हैं, मैं भी मिलता हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि पत्रकारों में जो भेड़े हैं या पत्रकारों में जो कमजोर या नामर्द लोग हैं या जिनमें कोई समझ नहीं है, वो लोग अपने को सरेंडर भरे ही कर दें, क्योंकि वो जब टीवी पे आते हैं तो लोग हंस देते हैं, और बहुत सारे लोगों के आते ही लोग टीवी बदल देते हैं, क्योंकि वो उसे मनोरंजन के साधनों के तौर पे देखते हैं। खबर के लिए वो वेबसाइट्स को देखते हैं जो वेबसाइट्स सही खबर देती हैं, और वो सुनकर के 10 जगह उसका तथ्य निकाल लेते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस देश में, ये देश प्रवीण जी आखिर मैं आपसे कहूँ, 5,000-7,000 साल की सभ्यता है हमारी, लिखित सभ्यता, जिसमें हमने मानवीयता, लोकतंत्र, भाईचारे को हर जगह एक्सपेरिमेंट किया है उसका। हम कहीं पर भी एक अमानवीय या जिसको कहते हैं डिक्टेटरशिप रिजीम के समर्थक नहीं रहे। तो चार लोगों के कुछ करने से ये नहीं हो जाता है, भले ही आप 7 साल 14 साल, देश की जिंदगी बहुत बड़ी होती है, आप कितने भी दिन रहें, लेकिन आपको लोकतंत्र पे ही चलना पड़ेगा। और अगर आप लोकतंत्र नहीं मानेंगे तो भरोसा रखिए, देश की जनता खड़ी होगी। ये मैं किसी राजनीतिज्ञ की तरह नहीं कह रहा हूँ, ये मैं एक ईमानदार पत्रकार के तौर पे कह रहा हूँ जो लोगों से बातचीत करता है, लोगों की भावनाओं का विश्लेषण करता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस देश में बर्बरता के आधार पे राष्ट्र कोई चलाना चाहे तो वो नहीं चल सकता, और इस तरह से जासूसी अपनी कमजोरी को जाहिर करता है, ये ताकत का चिन्ह नहीं है। और इसीलिए अगर कोई इस तरह देश चलाने की ख्वाब देखे तो ये हिंदुस्तान की जनता, भारतवर्ष की जनता इसको बहुत दिन तक मानने वाला नहीं है। हो सकता है मेरी उम्र बहुत अब काफ़ी हो चुकी है, तो कितने दिन और ये मैं देखूंगा ये अलग बात है, पर मुझे लगता है आप हमसे कम उम्र के हैं अभी भी, तो आप ज़रूर इस देश में परिवर्तन देखेंगे। और मेरा विश्वास है कि 1924 तक इस देश में हम भी परिवर्तन देखेंगे, और तब तक तो मेरा ख्याल से मैं भी रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आपके साथ धन्यवाद, और आपके साथ हम और भी बातचीत करेंगे, आपकी किताब की भी बारे में भी एक दिन बैठ के बातचीत करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आप लोग जो दर्शक हैं, न्यूज़ क्लिक में आइएगा, देखिएगा, और हमारे वेबसाइट पे भी आइएगा।